देखिए इस वक्त बड़ी खबर, आज कई दिग्गजों की किस्मत जो ईवीएम में कैद होने जा रही है उनके नाम हम आपको बताएं। केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो, सांसद लॉकेट चटर्जी, वैशाली डालमिया, ये सभी इस चरण में मैदान में हैं। सरकार, राज्य सरकार में मंत्री और टीएमसी लीडर पार्थ चटर्जी, टीएमसी के कैंडिडेट मनोज तिवारी, इनकी किस्मत भी इस चरण में दांव पर है। हुगली, हावड़ा, साउथ 24 परगना में आज वोटिंग है। इसके अलावा कूच बिहार और अलीपुरद्वार जो कि नॉर्थ बंगाल के हिस्से हैं वहाँ भी आज मतदान हो रहा है। तो देखिए बेला से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ हैं, रविशंकर दत्ता, श्रावंती बनर्जी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और करुणा शंकर शर्मा भाननगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जरा बताइए बेला, क्योंकि अपने आप में बेला पूर्व, बेला पश्चिम दोनों सीटें अपने आप में बहुत खास हैं। एक तरफ तीन महिलाएँ और दूसरी तरफ टीएमसी के मंत्री और कुछ वीआईपी नाम वहाँ पर। आप बताइए इस वक्त बेला में, आप बेला पूर्व, बेला पश्चिम और साउथ 24 परगना की इन सभी सीटों का आप जायजा ले रहे हैं, कैसा चल रहा है मतदान वहां? देखिए मतदान बहुत ही जबरदस्त चल रहा है गौरव, बहुत लंबी कतारें लग रही हैं और अभी हम पायल सरकार के साथी हैं और हम जहां जहां जा रहे हैं बड़ी संख्या में, और महिलाएं खासकर, देखिये मैंने आपसे पहले भी बताया था कि साउथ 24 परगना में 11 सीटों में जिनमें चुनाव हो रहे हैं, करीब 6 ऐसी हैं जहां महिलाएं डिसाइड करेंगी कि कौन वहां पर जीतेगा। महिलाओं की, महिला वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके इशू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पायल सरकार अभी घर घर जाकर के, माफ कीजिएगा, बूथ बूथ जाकर के जायजा ले रही हैं कि क्या स्थितियां हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। और एक बात मैं और समझिएगा, साउथ 24 परगना जहां पर इस समय चुनाव हो रहा है, बहुत हद तक बंगाल के चुनाव की जो इसे कहते हैं कि दिशा, इस बार की जो दिशा होगी उसकी कुंजी साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, इन जैसे जिलों में उसकी कुंजी है, उसकी चाबी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल, इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन श्रावंती चटर्जी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है रविशंकर, एक बड़े चेहरे को चुनौती देने के लिए। आप श्रावंती चटर्जी के घर के बाहर हैं, वहाँ क्या हलचल दिख रही है? देखिए अभी तो श्रावंती चटर्जी घर से निकली नहीं है क्योंकि वो रेडी होकर निकल रहे हैं, तो वोट के जो जितने भी सारे केंद्र हैं वहाँ पे वो जाएंगे और वोट का जायज़ा लेंगे। उनका खुद का वोट भी यहाँ पे ही है, तो वो नीचे आएंगी, हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे कब वो नीचे आती है। टाइम टेंटेटिव दिया गया 8 बजे तक। लेकिन यहाँ से सबसे बड़ी चुनौती यह है कि श्रावंती चटर्जी को रत्ना चटर्जी जो कि एक्स मेयर शोभन चटर्जी की वाइफ है उनके खिलाफ लड़ना है, और पार्थ चटर्जी, माफ़ कीजिएगा, पार्थ चटर्जी के खिलाफ उनका लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो हेवीवेट मंत्री है पश्चिम बंगाल सरकार के, एजुकेशन मिनिस्टर, उनके खिलाफ इनका लड़ाई है, और ये जगह तृणमूल का स्ट्रांग होल्ड रहा है। अब श्रावंती कितना अच्छा इसका फल जो है यहाँ पे, जो उनका इलेक्शन का रिजल्ट कितना अच्छा होता है ये समय बता देगा। आज उनका भाग्य जो है ईवीएम बैलेट में उनका वो मतदान होने वाला है। और श्रावंती, अच्छा देखिए इसी तस्वीरें बाबुल सुप्रियो की हम देख रहे हैं जो कि खुद इस बार इस चरण में इनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से जो कि चुनाव मैदान में हैं उनको आप देख सकते हैं। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल का बीजेपी का बड़ा चेहरा और जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और ये तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बाबुल सुप्रियो की। लेकिन इस वक्त करुणा शंकर शर्मा भी हमारे साथ हैं। करुणा, आप भी साउथ 24 परगना की भानगर सीट से हैं। साउथ 24 परगना जो अपने आप में सबसे बड़ा जिला है अगर विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें, और ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे, भानगर में वोटिंग कैसी चल रही है दिखाइए भी जरा और बताइए भी वहाँ के बारे में। बिल्कुल गौरव, अगर बात करें, ये देखिए भांगौर विधानसभा है और साउथ 24 परगना की है। अब मैं पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं, सर आप तस्वीर देखिए। सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग की शुरुआत हुई है, ये जो लंबी कतार यहां पर मतदाताओं की नजर आ रही है, देखिए महिलाएं भी यहां पर आ रही, लगातार अपना वोट कास्ट कर रही है, ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में, मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह है। अब एक बड़ी खास बात आपको यहां बताना चाहूंगा गौरव, वो ये कि अगर भांगौर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि जो ISF है, जो अब्बास सिद्दीकी ने जिस पार्टी को खड़ा किया है, अब्बास सिद्दीकी के भाई हैं नौशाद सिद्दीकी, वो खुद इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिहाज से ये सीट गौरव काफी ज्यादा इस बार हॉट सीट बन गई है। और एक और बड़ी खास बात यह है कि अगर भांगौर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जो मुस्लिम मतदाता है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। आप समझिए
कि 70% सीट पर मुस्लिम मतदाता हैं और लगातार एक बड़ा पोलराइजेशन इसके पहले के चुनाव में हमने देखा था। यही वजह है कि आपने देखा कि ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिए गए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कदम उठाया गया, अब इस बार क्योंकि नौशाद सिद्दीकी खुद यहां से हैं और एक बड़ा चेहरा है वो, तो वो क्या डेंट लगा पाएंगे। इससे पहले आपने देखा था जब हमने यहां से अपना शो भी किया था तो नौशाद सिद्दीकी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर अच्छा, आ रहे थे। करुणा मैं आता हूं आपके पास, देखिए बाबुल सुप्रियो पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हो। तो भांगर से कलाशंकर शर्मा आपको वहां के बारे में बता रहे थे, लेकिन बाबुल सुप्रियो को आप देख पा रहे हैं जो कि खुद इस बार चुनाव मैदान में है टालीगंज से और उनकी किस्मत का फैसला भी जनता कर रही है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।